हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआर डिजिटल सूत्रा यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कैसे एडोबे प्रीमियर प्रो को डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करता है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एडोबे प्रीमियर प्रो में न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता है और उसको ब्राउज करता है। तो पहले आपको स्टार्ट बटन में से एडोबे प्रीमियर प्रो 2020 को सिलेक्ट करना होगा। इसका ओपन होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट इसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस प्रोजेक्ट का एक नाम देना चाहिए कि जैसे हम दे रहे हैं डेमो, इसका नाम दे दिया। और लोकेशन कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फाइल सेव होगा उसका डेस्टिनेशन आपको ब्राउज करना है। लाइक आपको मेरा सपोज इसको डेस्कटॉप में सेव करना है, तो डेस्कटॉप में इसको ब्राउज करके उसको सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। उसके बाद आपको देखिए रेंडर वो जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। ऑडियो में देखिए ऑडियो सैम्पल्स ऐसा ही होगा। कैप्चर HD वीडियो, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलेगा आपको, DV और HDV। आपको अच्छा वीडियो चाहिए तो HDV में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कलर मैनेजमेंट जो है वैसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको ओके में क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हम लोग को ये देखिए इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंपोर्ट में क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जो वीडियो हम एडिट करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक हम ये वीडियो हम एडिट करना चाहेंगे तो उसके ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये है प्रोजेक्ट पैनल से आपको जहाँ पे एडिट होगा टाइमलाइन में आपको ड्रैग करके लाना पड़ेगा, ड्रैग करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडिट का जो ऑप्शन वो एनेबल हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे इसको एडिट करता है और ये जो टूल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये टूल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।